भगवान श्री रामकृष्ण की अर्थात हमारे बाल गदाधर भगवान की बहुत सी लीलाओं का वर्णन किया था। आज देखते हैं कि उस कला कौशल से भी ऊपर उठ करके ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ थे, और वो ज्ञानियों में भी कम उसी उम्र की बात है जबकि वो छोटे से ही थे। तभी की बात देखते हैं हम, थे तो भगवान ही, इसलिए ज्ञान तो उन्हीं से निकला है, लेकिन फिर भी इनकी लीला के रूप में देखते हैं। सच्चिदानंद रामकृष्ण के मन में आया कि मैं देखता हूँ आज यहाँ पर एक लीला करेंगे। वो क्या है? जटिल प्रश्न एक करही बिचारा प्रकार से दुलार किया, प्यार किया,
अब समय आ गया था, 14 वर्ष तो हो चुके भक्ति के अंदर बढ़ गई, और उन्होंने इस समय ये सोच लिया, समझ लिया कि संसार में जीवन का अर्थ एकमात्र ईश्वर लाभ है, उसका है। इसलिए उनके मन के अंदर जो भाव हो गए, एकमात्र उद्देश्य है ईश्वर का। बाकी जितनी 84 लाख योनियों में 83,09,999 इत्यादि हैं, उनके अंदर ये भाव नहीं है, क्योंकि उनके पास विवेक बुद्धि नहीं है, उनके अंदर इमोशन है, उनके अंदर रीजन भी है। क्योंकि हमने देखा है कुत्ता बिल्ली इन सबको भी आप लोग भी देखे होंगे, एक छोटा सा पक्षी ताकत हुआ उसकी तोड़ते हैं, वो पक्षी एकदम तोते की तरह से होता है। उसको एक विदेशी भक्त आए थे तो मुझे कहने लगे महाराज जी आपको देख के जा रहा हूँ, तो उसको रख लिया। वो इतना अच्छी तरह से आपस में हमसे भेंट करता है, प्यार करता है, कि वो जैसे हमारे बीच में एक मेंबर बन गया। एक स्वामी जी मेरे जो असिस्टेंट थे उनके थाला में बैठेगा और वहीं से उनके साथ भी खाएगा। एक लड़का जो बहुत सेवा करता था मेरी, उसके वो जब लेट जाता है तो उसके कान से नाक से सब मैला निकाल निकाल कर फेंकता, और कहीं पर कोई अच्छी चीज़ मिलती खाने की तो वो ला करके उसके मुँह में खा लेता। एक दिन वो कहाँ भाग गया, उड़ गया, तो उसको खोजते खोजते हम लोग बड़े परेशान, सभी का मन दुखी। तो मैंने देखा हमारे बीटी कॉलेज के अंदर एक कमरे के अंदर वो रखा हुआ, तो मैंने पूछा अरे ये कौन लाया, कहाँ से लाया, बोले हम खरीद के लाए हैं। मैंने कहा ऐसा तो खरीद के लाए हैं, अच्छा देखो उसमें से निकाल के जरा दिखाओ तुम्हें। जैसे उसने पिंजरा खोला, हाथ दिया तो उसको काट गया। तो मैंने कहा देखो तुम्हारा अगर लाया हुआ होता तो तुमको काटता नहीं, मेरे पास दो। मैंने जैसे ही हाथ किया वो आकर के मैंने यहाँ पर पकड़ लिया, पकड़ के बड़ा खुश हुआ। तो उसको मैंने कहा भाई ये मेरा ही है इसलिए ले जाना। इतनी सेंस उसमें भी है। एक बिल्ली का बिल्ली वो आकर के म्याओं म्याओं कर रही मेरे ऑफिस में। मैंने सोचा क्या बात है, उसके पास गया, जा करके जैसे ही देखा तो वो मुझे खींच रही है, मेरा रोटी को खींच रही है, चल दिया उसके पीछे पीछे। हमारा जो ये टीवी का रूम था जहाँ ये स्टूडेंट्स लोग देखते थे उस जगह ले गया, वहाँ ले जा करके बिल्ली दरवाजा पर मार रही है। तो मैंने समझ लिया कि इसको आज शायद बच्चा देना है, इसलिए अपनी जगह खोजी है। तो उसकी बात हम भी समझने लगे तो थोड़ा थोड़ा, तो खोल दिया दरवाज़ा, लेकिन हमने कहा नहीं अंदर नहीं जाना है, ऐसा कहकर उसको फिर बंद कर दिया। मेरे पीछे पीछे फिर म्याओं म्याओं करती हुई आ रही थी, तो उसमें जाकर के एक बॉक्स था किताबों का, उसे पहले ही उल्टाया हुआ था। तो मैं समझ गया कि उसके पास जा कर के जब म्याओं म्याओं कर रही है तो ज़रूर ये इसकी सेकेंड प्रायोरिटी है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, उस डिब्बे में उसको गला पकड़ के डाल दिया, चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर के बाद आकर के मेरे टेबल के नीचे पास में जो कंप्यूटर टेबल था उसके नीचे उसने बच्चे दिए, साफ किया, रैक में रख दिया ऊपर। और उसका नियम होता है कि हर दिन चेंज करेगी बच्चों को, लेकिन नहीं किया। वो जानती है बाबा जी कोई नुकसान नहीं करेगा, जब बड़े बच्चे हो गए तो उनको अब सिखा रही है। कागज़ के टुकड़े ला करके उसको फाड़ना सिखाती है, फिर धीरे धीरे ला करके चूहा लिया, चूहा को मारा उसको चूहा दिया खाने के लिए, फिर उसको चलना सिखाती है। जब सीख गया उसको छू कर तो भगाती है, मेरे पास मत आओ। लेकिन उसको ले जा करके हर एक बच्चे को, मेरे और एक असिस्टेंट स्वामी जी थे ब्रह्मचारी, उनके खटिया पर वो बैठे हुए थे तो नीचे उनके पाँव के ऊपर सारे बच्चे रख दिए। अब इतना सेंस तो उसमें है कि
इसी प्रकार से बहुत कुत्ता का बंदर का मेरे पास स्टोरियाँ बहुत हैं, लेकिन ये मनुष्य के अंदर जो है विवेक बुद्धि वो नहीं है। मनुष्य ही सोचता है कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है ईश्वर की प्राप्ति, उसके लिए हमको शरीर मिला। अगर हम यहाँ पर विषयों में फंसे रहते हैं, ईश्वर की तरफ चिंता नहीं करते, तो हमारे को फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जन बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य में कुत्ता भी बन सकते हैं, बिल्ली भी बन सकते हैं, चूहा भी बन सकते हैं। कैसे? वही जो जेब कतरते हैं, उनकी आदत है जेब कतरने की, तो उनको चूहा बनाया जाता है ताकि वो सबकी जेब कतरते रहें। ऐसे बिल्ली है, वो चुपके चुपके जाकर दूसरे का खा लेती है, तो ऐसा जिसका स्वभाव है उसको ऐसे मिलता है, बिल्ली बनती है। जिनका ना खाए ना खाने दे उसको कुत्ता बनना पड़ता है, ऐसे स्वभाव के अनुसार तो यूनि मिलती है। और फिर ये 84 लोक में घूमता रहता है, तो भी भगवान को दे आ जाए तो मनुष्य यूनि मिलती है। ना ये तप से मिलती है, ना बल से मिलती है, ना धन से मिलती है, ना जब ध्यान से मिलती है। ये तो भगवान की कृपा हो जाए तब ये मिलता है। इतना मूल्यवान शरीर है, इसको प्राप्त करके अगर ईश्वर को नहीं प्राप्त करते तो ये तो आत्महत्या के समान है। उपनिषद कहते हैं ये चेद वेदी तथ्य सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदी महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेतस्मान लोकाधमृता। जो इस मनुष्य शरीर के रहते रहते ये अनुभव नहीं कर लेता कि सर्वभूतों में वह ईश्वर विराजमान है, उसने तो इतना मूल्यवान शरीर प्राप्त करके भी आत्महत्या के समान कर लिया। लेकिन जिसने यह अनुभव कर लिया है शरीर के रहते रहते, बस उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका फिर जन्म नहीं होता। ऐसी बात को समझ करके विचार करते हुए, चिंता करते हुए उन्होंने सोचा कि मेरे को तो अब वो संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन फिर वही बात, माता की तरफ देखा, माँ चंद्रमणि की तरफ देख करके मन के अंदर द्वंद्व शुरू हो गया, कैसे छोड़ूं मैं माँ को। तो ये सोचने लगे कि नहीं, मेरे को ये नहीं, अभी घर में ही रहना है। दूसरी तरफ मेरे बड़े भाई जिनके पास अभी धन भी नहीं है, बहुत दरिद्रता से काट रहा है समय, ऐसे में उनको छोड़ करके जाना भी ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपने मन के अंदर सोचा, अच्छा ठीक है, अभी मन के अंदर ध्वन हट गया, अब यही रहूँगा। और उन्होंने जैसा भगवान रखेंगे, राम रखेंगे, ऐसे रहेंगे, इस प्रकार का चिंतन किया। उन्होंने ये देखा कि इस संसार के अंदर दुख है, और अपने भी अनुभव किया, लेकिन ये उनका शरीर धारण किया जो दरिद्र घर में धारण किया, इसलिए नहीं कि उनको कर्म के अनुसार आना पड़ा था, बल्कि वो तो जगत के कल्याण के आ रहे थे। ये दिखाने के लिए कि एक व्यक्ति दरिद्र घर का हो सकता है, एक व्यक्ति एक सुदूर गांव का हो सकता है, एक व्यक्ति जो नगण्य हो सकता है, लेकिन कितना विकास करके अपने को ईश्वर के स्वरूप में ले जा सकता है। ऐसे दिखाने के लिए ही उनके अंदर ये भाव आया, और स्वार्थ के हेतु नहीं, बल्कि जगत का कल्याण करने के लिए। भगवत भक्ति भावना
लेकिन 3 बरस तक ये इसी प्रकार से माँ की सेवा करते रहे। और अब हो गई उनकी उम्र 17 बरस की। राम कुमार जो थे वो कलकत्ता गए हुए थे, वहाँ जाकर उन्होंने अपनी पाठशाला खोली और उसमें संस्कृत भाषा पढ़ाती थी। तब ये छात्रों की संख्या भी बहुत अधिक हो गई, सोचा कि मेरा काम जो है उसमें थोड़ा हाथ बढ़ाएगा, इसलिए भैया को लेकर दिया। तो उन्होंने इधर भी देखा कि गदाई जो है कुछ करता नहीं है, अपने में मस्त रहता है, पता नहीं कैसा होगा क्या नहीं होगा। तो इस चिंता के अनुसार उन्होंने सोचा कि इसको पाठ पठन कराने के लिए ले जाना चाहिए। सोचा वहाँ ले जाता हूँ पाठशाला में, दूसरे बच्चों के साथ ये भी पढ़ेगा और पढ़ लिखने के साथ साथ में मेरे को भी कुछ सहायता मिलेगी, ऐसा सोच करके वो उनको लेकर के जाते हैं। जननी जन्म भूमि अति प्रियत जी चले भगवान जन्मभूमि के प्रति श्री रामकृष्ण का भी बड़ा प्रेम था, माँ शारदा का भी। माँ शारदा मिट्टी उठा करके लगाती थी जयराम बैठने की, ऐसे ही श्री रामकृष्ण भी अब जन्मभूमि को छोड़कर जा रहे हैं, मन तो दुखी है लेकिन जा रहे हैं। और उनसे ज़्यादा अधिक तो दुखी थे सारे ग्रामवासी, जो कि ऐसा सोचते थे कि बिना गदाधर के हमारा जीवन भी जैसे बिना पानी के मछली होती है ऐसे ही गुजरेगा। विपुल विजोग लोग दुआरी सभी उस समय अकला रहे थे। प्रसन्न आदि भी बहुत विकल थी और सोचने लगे कि अब क्या होगा। ऐसी दीन अवस्था में सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं। माता के चरणों में प्रणाम किया, माता ने बार बार उसको अपने गले से लगाया और चुम्बन किया, बहुत प्रकार से उसको प्यार किया। अब श्री रामकृष्ण यद्यपि वहाँ से जा रहे हैं लेकिन जिस प्रकार श्री कृष्ण के लिए हम सोचते हैं कि वृंदावन पट्य पाद में कम न गच्छति, आज इनका भी ऐसा ही है।
कि चाहे वो चले गए हो वहां से श्री राम छोड़ करके, लेकिन श्री राम माता जी एक पद नहीं जाए। उनके वहां जन्म लेने के कारण से, उनकी चरण रज के कारण से आज एक महान तीर्थ स्थान बन गया। देश विदेश के लोग वहां जाते हैं और तीर्थ भ्रमण करते हैं, और जब वो घूमते हैं वहां पर तो एक एक जगह को देखने से ऐसा लगता है कि यहां पर भगवान ने ये किया था, यहां पर ऐसा किया था, वहां ऐसा किया था। इसका मतलब है कि चाहे उनका शरीर न रहे लेकिन वो वहां पर विराजमान है सूक्ष्म रूप से। जो भक्त सच्चे हृदय से जाकर के भ्रमण करते हैं उनको वहाँ पर दर्शन मिलते हैं, इस भाव में दर्शन मिलते हैं। तो ऐसा ये कलयुग के लिए एक महान तीर्थ स्थान हो गया है, क्योंकि वहाँ पर वही भगवान जो ब्रह्म अरूप अनूप नाम है, जो सच्चिदानंद परम धाम है, वही आए एक रूप धारण करके। कैसा रूप धारण किया था? किस लिए किया? इसलिए कि उनको और जगत का हित करना था। आगे जानता नहीं है कोई, लेकिन अब इस समय जाते तो हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ और निर्धारित था, हम लोग देखेंगे। राम कुमार जी ने उनको कहा कि देखो तुमको चल करके वहाँ पढ़ना होगा और पढ़ाई लिखाई करना, संस्कृत अध्ययन करना। तब वो पूछते हैं, बड़े नम्न होकर पूछते हैं, अच्छा भैया बताइए तुम पढ़ लिख करके क्या होगा, कहीं अर्थ कमाएंगे? तो बोले अर्थ करी विद्या मुझे नहीं चाहिए, अर्थ करी विद्या मुझे नहीं चाहिए, चाहे कितना भी समझाए। सुनी गदाधर अर्थकरी विद्या उनको एकदम पसंद नहीं हुई, किंतु देव सेवा सुहाती थी, कर सकते हैं। अंग्रेज ने कहा तो ठीक है ऐसा करो, फिर अंग्रेज जाओ जाकर के पूजा इत्यादि करके आओ घर घर में, उससे कुछ जो कुछ भी मिलेगा दक्षिणा इत्यादि मिलेगी। ये तो बहुत उच्च दिशा थी जो कि उनके मन के अंदर थी, लेकिन उनको विद्या का योग नहीं, आत्मविद्या का योग है। तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आते हैं, वहाँ पर दिव्य लीला उन्होंने जो की, वो भी अब आगे चल के हम देखेंगे उन्होंने जो किया। प्रभु श्री राम
दक्षिणेश्वर में रानी रासमणि जो कि मन के अंदर संकल्प था कि हम काशी में जाकर के माँ काली की मूर्ति की प्रतिष्ठा करें, तो उनके जो पति थे बहुत अमीर थे, यद्यपि ये जाति की निम्न थे, लेकिन कलकत्ता के अंदर उनका विशाल भवन था और जान बाजार कलकत्ता में रहती थी, तो वहाँ पर रानी रासमणि बड़ी ओजस्वी ईश्वर विराजमान थी, उनके मन के अंदर ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर की भक्ति, तो ऐसी वो रानी रासमणि साधारण नहीं थी। श्री रामकृष्ण की लीला में भी उनका बहुत बड़ा अवदान था। रासमणि स्थापना करेगी, लेकिन यहाँ भूमिका कुछ दूसरी थी। अगर वो चली जाती काशी तो ना दक्षिणेश्वर मंदिर होता, ना श्री रामकृष्ण की लीला वहाँ पर होती। तो ये पहले से ही समस्त ठीक किया हुआ है, और इसीलिए रानी रासमणि जब काशी जाने के लिए आई तो दक्षिणेश्वर के पास में घाट पर सब नौका लगाई, नौका से जा रही थी, और उस समय रात वहीं पर बितानी। लेकिन जब रानी वहाँ पर सो रही थी तो उनको दर्शन हुआ माँ काली का, स्वप्न में दर्शन पाए सपन इसी पर मंदिर की स्थापना करो, माँ काली की स्थापना करो, मेरी स्थापना करो, और नित्य पूजा होगी वहाँ पर, और भोग इत्यादि में प्रसाद से ग्रहण करूँगी। ऐसा जब उन्होंने आदेश दिया तो रानी मुझे आदेश सुनी गई नकाशी संचित धन सो काली तब उन्होंने प्रसन्न होकर के इसी की तैयारी की, जाने का स्थगित कर दिया, और वहाँ पर अब धन जोड़ जोड़ करके रखने लगी कि इसकी अब प्रतिष्ठा कर ली। रानी ये नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भगवान का अपना ही एक नाटक होता है, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार का आदेश दिया। साधन वो करना था श्री रामकृष्ण को उसी जन्मभूमि पर, उसी भूमि पर, और इसलिए साधन करने के लिए एक स्थान चाहिए था कलकत्ता में, और वो स्थान रानी रासमणि के द्वारा ही होना था।
कैसे प्रेरित होते हैं, जैसे हम देखते हैं त्रेता में राम जी के दूतों को माता जानकी जी की खबर लेने के लिए जब जाना पड़ा तो स्वयं प्रभा ने उसको उसी किसी प्रकार से व्यवस्था करके रखा हुआ। वो कैसा हुआ कि विश्वकर्मा एक थे और उनकी कन्या थी हेमा। हेमा नृत्य कला में बहुत कुशल थी और बहुत संतुष्ट करके भगवान शंकर को उसने प्रसन्न किया था। नगर में विशाल उसका देख सुंदरी भी थी और शेष बरस से उस वहाँ पर निवास करती थी। जिस समय वो ब्रह्मलोक को जाने लगी तो हेमा उनकी एक सखी थी गंधर्व कन्या, उसको स्वयं प्रभा उसका नाम था और विष्णु उपासक थी और मोक्ष चाहती थी। लेकिन जाने के समय इन्होंने कहा सुकन्या ने कि नहीं अभी मत जाना, तुम्हारे को यहीं पर रहना है। भगवान की इच्छा बहुत बलवान होती है। परब्रह्म परमात्मा जो निर्विघ्न निराकार हैं वो धर्म स्थापन के लिए एक बार अवतार लेंगे और उनका नाम होगा श्री राम। इसलिए वो संसार के भार को हरण करने के लिए राक्षसों को मारने के लिए आएंगे। उस समय जब दशरथ के पुत्र श्री राम यहाँ पर जब आएंगे तो उनकी जानकी स्त्री को राक्षस लोग हट के ले जाएंगे। तो उनकी खोज में जब उनके लोग आएंगे तो तुम उनको रास्ता बता देना। इस प्रकार से ये उनकी भूमिका रखी थी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं कि हमारी रानी राजमणि का भी वही है। उनकी साधना होगी, उनको वहाँ पर साक्षात्कार होगा, वहाँ पर ही वो अपने शिष्यों को लेंगे और फिर वहीं पर इस संगठन की आरंभ होगी। ऐसा तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जो भी थे वहाँ पर हनुमान जी के साथ में तो उन्होंने निकले हुए थे। तुलसीदास कहीं बधानी बंद करो और तुम वहाँ पहुँचा दूंगी जहाँ पर तुमको सीता की खोज मिलेगी। सब ने आँखें बंद की और आँख जब खोली तो देखा समुद्र के तट पे पड़े। ऐसे ही यहाँ भी स्वयं प्रभा भगवान ने जहाँ पर लीला की वो मंदिर की प्रतिष्ठा ये रानी राजमणि। जब जब भगवान इस प्रकार से आते हैं उनके साथ उनके लीला सहचर भी आते हैं और उनकी सबकी अपनी अपनी भूमिका रहती है। श्री रामकृष्ण ने एक दिन देखा था चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन निकल रहा है और सब नाच रहे हैं, उसमें गा रहे हैं। वो आवाज़ जितनी पास में आती गई वो देखते रहे और उन्होंने देखा कि बहुत लोग उनके साथ साथ में कीर्तन करते रहे। श्री रामकृष्ण पहचान लिए बाद में, उनमें जिनको देखा जाए दो चार को बाद में बोले अरे तुमको तो मैंने उसमें देखा था। अर्थात हर एक युग में अवतार के साथ ये लोग आते हैं साथ साथ में। कहा जाए तो ये लोग जीवन मुक्त हैं, ये लोग कभी मरते नहीं, उनके साथ साथ हमेशा रहते हैं। तो प्रभु की लीला देखने के लिए संग में ये लोग आए। उसके बाद स्नान यात्रा के दिवस देवी की स्थापना की गई। बड़े समारोह से बाजे बाजे से शनाइयाँ बजी, मंगल ध्वनि हुई, गीत गाने लगे, वेद पाठ मंत्र हुए, पूजा हुई। विप्र लोग जो ब्राह्मण लोग थे, विद्वान थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के विधान भी वहाँ पर किए। दूर दूर से पंडित आए, अनुपम वातावरण बना और फिर वहाँ पर उन्होंने सबको दान दक्षिणा इत्यादि दे करके सबको संतुष्ट किया। स्वर्ण मुद्रा दी, रेशमी वस्त्र दिए, इस प्रकार से करके उनको विदाई किया।
और बात थी कि वहाँ पुजारी कौन बने, पुजारी बनने के लिए कोई राजी नहीं होगा, क्योंकि रानी रासमणी जो थी वो निम्न जाति की थी और इस प्रकार अछूत जाति के मंदिर में कोई भी ब्राह्मण पूजा भी नहीं करेगा, कुछ खाएगा भी नहीं, ग्रहण भी नहीं करेगा। तो उनके मन के अंदर आया ये कैसी बात है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने एक पत्र लिख के भेजा कोई संस्कृत पाठशाला में जहाँ राम कुमार जी थे। राम कुमार जी ने उसका उत्तर दिया कि नहीं, इसका उपाय है, उपाय ये है कि आप अपने गुरु को ये समर्पित कर दें जमीन और मंदिर, तो फिर कर सकते हैं। तो उन्होंने इसी प्रकार से गुरु के नाम से उसको समर्पित करके और आरंभ किया। लेकिन पुजारी के रूप में कोई नहीं आना चाह रहा था, तो फिर यही इन्हीं की शरण में गए और उनको कहा कि आप छोड़कर हम किसके पास जाएंगे, तो इन्होंने स्वीकार किया। बस ये राम कुमार जी का जो देवी के मंदिर में पुजारी होना, यही श्री रामकृष्ण की लीला की भूमिका बनी, उनको भी वहीं पर जाना था। वहाँ पर गए हैं, मंदिर की स्थापना हुई और ये तो वहीं रह गए राम कुमार जी। लेकिन उस समय गदाधर के मन में हुआ कि हाँ मैं नहीं रह पा, उनके मन में थोड़ा सा दिखाने के लिए हो सकता है, उनके मन में हुआ कि यहाँ कैसे और यहाँ का बनाया और खाऊंगा नहीं प्रसाद ले लूँगा। तो राजी किया राम कुमार जी, ठीक है तुम सीधा ले लेना, गंगा के किनारे बैठ कर खाना बना। तो खाना बना के खाते थे, तो बाद में ठीक हो गया सब। तो उनके मन के अंदर वहाँ पर रहने लगे जब, तो हृदय राम भी आ गए और बहुत उन्होंने वहाँ पर रहते समय एक दिन के बाद जो उनका कौशल सीखा था, उनके अंदर जो गुण थे वो वहाँ भी प्रकाशित होने लगे। एक दिवस दिन बिठा दिया, इस तरह से गले में भुजंग, हाथों में भुजंग, इस प्रकार से दिव्य चक्षु बनाए, जटा भी बड़ी निराली बनाई, इस प्रकार से अंतर्मुखी होकर के उन्होंने उसका निर्माण किया। फिर जागृत शिव देख करके उनकी पूजा शुरू कर दी, फूल माला नैवेद्य चढ़ाया, इस प्रकार से वो चढ़ाकर पूजा कर रहे थे। ठीक उसी समय रानी रासमणि के दामाद, जो बाद में रानी रासमणि के बनने के बाद वही मालिक हुए और वैसे भी उनके मैनेजर थे, वही संभालते थे, वो वहाँ पर आए और उन्होंने देखा तो दंग रह गए। ये पहला उनका दृष्ट था, जबकि वो श्री रामकृष्ण को अच्छी तरह से देख सके थे।
तो उनके मन के अंदर वो अच्छी इतनी अच्छी मूर्ति बनाई है, इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है, वो उसको देखते ही रह गए। और फिर जिस प्रकार से जिस भाव से वो पूजा कर रहे थे उससे और भी वो प्रभावित हुए, तो सोचने लगे कि ये क्या बात है, ये किसने बनाई है, ऐसा उनके मन के अंदर था। जब उन्होंने पूछा तो हृदय राम का जो मानता था उसने कहा, मामा सुन प्रसन्न हुए और उनके मन के अंदर एक भावना आई कि हमारे इस मंदिर में पूजा करने के लिए तो इसी को पकड़ना। लेकिन वही बात है, वो जो नौकरी की बात है ना, नौकरी का नाम सुनते भागते थे, इसलिए उन्होंने कहा ये मुझे यहाँ पर नौकरी देंगे, इसलिए दूर दूर रहने लगे। तो बहुत दूर चले जाते हैं, जहाँ देखो वो आ रहा है तो उधर से निकल गए, तो मुझे नौकरी नहीं चाहिए, इसलिए अब इनको जल्दी से कुछ नहीं कर पाए। फिर नौकरी का उनको जो था मन के अंदर, श्री रामकृष्ण पसंद नहीं करते थे, ये बात ही उनके मन के अंदर आ रही थी। और उसके लिए आगे चल के हम देखेंगे कैसे आहिस्ता आहिस्ता करके रानी रासमणि और मथुर बाबू उन्होंने प्रभावित किया उनको कि वो वहाँ पर पूजा का पद भी ग्रहण करें। यद्यपि वहाँ से कुछ मिलता था, लेकिन उन्होंने कभी नौकरी के हिसाब से पूजा नहीं की, इस वजह की मेहनत करें नाम करके Yeah.
प्रणाम करके प्रणाम।